guys, I am at one of the most sought after project in Sector 12 Noida Extension. Yes, I am at Fusion Do Brook and Rivoli. And guys, ये Sector 12 Noida Extension का सबसे promising project है. और क्यों इतना promising है, आज की वीडियो में मैं यही cover करने वाली हूँ. नोएडा से आते हैं तो आपको गौर सिटी सेंटर पर सीधे उसी रोड पर रहना है एंड अप्रोक्स आपके 5 to 7 किलोमीटर के ड्राइव के बाद आपका आ जाता है राजेश पायलट चौक, जिसके बिल्कुल लेफ्ट ही रहेगा हमारा सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन. यहां से अगर मैं मेजर हॉटस्पॉट्स एंड लोकेलिटीज की बात करती हूं तो नजदीक में आपके गौर सिटी सेंटर वाली पूरी लाइन रहेगी, जो की यहाँ से 7 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे एंड वहाँ पर आपको मल्टीपल मॉल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं. स्कूल्स की बात की जाए तो 2 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर अराउंड 5 to 7 ऑपरेशनल स्कूल्स प्रेजेंट हैं. फॉर इंस्टेंस इन्फिनिटी, डीपीएस, बीजीएस स्कूल यहाँ पर नजदीक में मिल जाते हैं. हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो सर्वोदय एंड यथर्थ हॉस्पिटल आपके नजदीक में रहेंगे. नॉलेज पार्क 5 इज राइट ऑपोजिट. उसके साथ साथ योटा डेटा सेंटर भी यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा. सो गाइज, जैसे कि आप लोकेशन से वाकिफ हो चुके हैं, अब मैं आपको लोकेशन के एडवांटेज बता देती हूँ. सबसे पहले आप देखिए, ये मेन रोड आपका फ्रंट पे रहेगा एंड सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा है फ्यूजन द ब्रूक एंड रिवले. सामने आपका 350 मीटर का फ्रंट रहेगा एंड फैक्ट रोड के उस तरफ आ जाता है आपका नॉलेज पार्क 5, जो कि मोर देन 2000 एकर्स के एरिया में डेवलप हो रहा है एंड फ्यूचर में यहाँ पर कई रिनाउंड MNCs, मल्टीपल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स आएंगे, जो कि फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए है. एंड गाइज, सेक्टर 12 रोड एक्सटेंशन की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कई रिनाउंड बिल्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनमें से एक फ्यूजन ग्रुप यहाँ पर है. गाइज, मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलूंगी, बट उससे पहले मैं यही बाहर से आपको यहाँ का कंस्ट्रक्शन अपडेट देना चाहूंगी. मैं देख सकती हूँ 23 फ्लोर्स तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है. ये आपके जो फ्रंट में जो टावर्स हैं, ये ब्रूक के पार्ट हैं एंड ये आपके ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन स्टेज पर हैं. स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, अब सिर्फ इनमें फिनिशिंग का काम चल रहा है. इनफैक्ट लॉबी एरियाज इनके डेवलप हो चुके हैं, अच्छा खासा उनका इंटीरियर भी हो चुका है. सो एक चीज बहुत अच्छी है इस ग्रुप की कि ये कंस्ट्रक्शन काफी स्पीड से कर रहे हैं अपनी, अनलाइक अदर बिल्डर्स इन नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन. ये इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं. तो गाइस, अब चलिए मैं आपको एक लोकेशन का आइडिया थोड़ा सा दे चुकी हूँ, अब मैं प्रोजेक्ट के आपको अंदर लेके चलती हूँ एंड इसकी हम और डिटेल्स डिस्कस करेंगे. कम ऑन, लेट्स गो. फ्यूजन द ब्रूक एंड रिवले इज बेसिकली IGBC गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग एंड ये आपके 3 साइड ओपन प्लॉट पर डेवलप हो रहा है. सो आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाएगी हर एक अपार्टमेंट से. उसके साथ साथ, सिंस मैंने कहा कि ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 350 मीटर वाइड फ्रंट मिल जाएगा एंड फ्रंट में कोई फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी. इनफैक्ट दोनों तरफ आपको अराउंड 24 मीटर वाइड रोड्स भी मिल जाते हैं. अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की. तो बेसिकली ये 2 फेजेस में डिवाइड हुआ था द ब्रूक एंड रिवले के नाम से. ब्रूक में फिलहाल 3 टावर्स लॉन्च हुए थे जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. इन फ्यूचर 4 और टावर्स लॉन्च होंगे. तो गाइस, हम बात करने वाले हैं रिवले के बारे में. तो इसमें टोटल आपके 10 टावर्स रहेंगे जो कि 7.5 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप होंगे, जिनमें से अभी कुछ टावर्स लॉन्च हुए हैं एंड कुछ टावर्स आपके फ्यूचर की एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रहेंगे. फिलहाल रिवले में सिर्फ 3 and 4 BHK के साइजेस रहेंगे, जिनमें से एक का अभी फिलहाल मैं आपको सैम्पल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ. तो साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है, यहाँ पर सिर्फ आपके 3 साइजेस ही रहेंगे. 3 BHK की प्रॉपर्टी में आपके 1 फ्लोर पर 6 यूनिट्स रहेंगी एंड 4 BHK में आपके 1 फ्लोर पर सिर्फ 4 यूनिट्स ही रहेंगी. गाइज, अभी रिवले का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपकी टोटल 816 यूनिट्स लॉन्च हुई है. अगर मैं पूरे कंबाइंड यूनिट्स की बात करूं, टोटल यूनिट्स की बात करूं, तो यहां पर आपकी अप्रोक्स 1200 यूनिट्स रहेंगी इन 7.5 एकर्स ऑफ लैंड एरिया. कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी है,
100% माइवान फ्रेमवर्क के साथ ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं अमेनिटीज की। सो गाइस, द ब्रूक एंड रिविले दोनों की सेपरेट अमेनिटीज रहेंगी, दोनों के सेपरेट पार्क एरियाज रहेंगे, बट ऑफ कोर्स रेसिडेंट्स उनको यूज कर सकते हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रेसिडेंट्स उन अमेनिटीज को यूज कर सकते हैं। क्लब हाउस की हम बात करें तो क्लब हाउस आपका अप्रोक्स 45,000 स्क्वायर फीट में डेवलप होगा, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एंड क्लब हाउस के अंदर आपकी सारी वर्ल्ड क्लास लेवल की अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी। कुछ एक्सक्लूसिव अमेनिटीज यहाँ पर आपको मिल रही हैं, जैसे कि स्पा एंड सोना, जकूजी, को वर्किंग स्पेसेस फ्रेश रहेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको पार्टी हॉल मिलेगा, बैंकेट रहेगा, एंड द मेजर थिंग इज वेरी स्पेशल थिंग इन फैक्ट अबाउट फ्यूजन द ब्रूक एंड रिविले इज की इस प्रोजेक्ट में आपको मिल रहा है टेरिस गार्डन। Yes, in fact, this is the, I guess, only project in Sector 12 that is offering you terrace gardens. Terrace mein aapke multiple sitting areas rahenge, artificial gardens rahenge, and open to air party hall aapka rahega, jisme aapke buffet counters bhi rahenge. So I think this is the only project in this region that is offering you terrace garden, and that's a very big USP of Fusion The Brook and Rivoli. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स यहाँ पर आपके ग्राउंड लेवल पर पार्क एरियाज रहेंगे। रिविले की अगर मैं बात करती हूँ तो अप्रोक्स आपका 3.5 एकर्स के एरिया को कम्प्लीटली ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस के लिए छोड़ा गया है, जिसमें आपके मल्टीपल पार्क्स रहेंगे, हर्बल गार्डन्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ आपके आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज के लिए भी डेडिकेटेड स्पेसेस रहेंगे, स्विमिंग पूल ऑफकोर्स आपका प्रेजेंट रहेगा। वन मोर थिंग, कम्प्लीटली आपकी बेसमेंट में पार्किंग रहेगी, इनफैक्ट आपको टू लेवल बेसमेंट पार्किंग मिलेगी, उसके साथ साथ स्टिल्ट में भी आपकी पार्किंग रहेगी, एंड विद दैट यहाँ पर आपको ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। So guys, I am inside this sample flat. This is basically a 3 BHK sample flat. ये रिविले का पार्ट रहेगा, फेज टू का पार्ट है। Guys, आपका जो फ्लैट रहेगा वो आपको रॉ अनफर्निश्ड कंडीशन में मिलेगा, बट दिस इज अ सैम्पल फ्लैट, सो यहाँ पर सारा फर्नीचर है, बट दिस फर्नीचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। एक्चुअल में आपको कम्प्लीटली रॉ फ्लैट मिलेगा। So this will be the entrance, and entrance के साथ ही आ जाएगा आपका living plus dining area. So this entire space is for your living and dining space. एक बहुत खास बात ये है यहाँ के apartments की कि यहाँ पर आपको ceiling height काफी अच्छी मिल जाती है, around आपकी 10.5 की ceiling height रहेगी, प्लस जो मेन डोर है उसकी हाइट अप्रोक्स आपकी 8 फीट की रहेगी, एंड गाइस लिविंग एरिया विल कम विद द बालकनी एरिया आल्सो, सो बालकनी काफी ज्यादा अच्छे साइज में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंड डाइनिंग के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगी आपकी किचन। सो दिस फुल स्पेस इज फॉर योर किचन। किचन में इनफैक्ट हम देखें तो काफी अच्छे स्पेशियस साइज में आ जाती है, इनफैक्ट किचन के साथ भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। यूटिलिटी एरिया का भी आपकी बालकनी रहेगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लेंथ एंड विड्थ में है। आप भी इस तरीके से यहाँ पर इंटीरियर करवा सकते हैं, एंड अपने स्पेस को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3 bedrooms। सो दिस इज आवर बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड बालकनी एंड एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाती है। वॉशरूम आपकी सारी फिटिंग्स के साथ कंप्लीट आएंगी एंड आपको फिनिश्ड फॉर्म में डिलीवर की जाएंगी। सो एडजॉइनिंग बेडरूम नंबर 1 इज आवर बेडरूम नंबर 2, जिसके साथ अगेन आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगी। यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस रहेगा, एंड हियर इज द बालकनी, ये आपकी कॉमन बालकनी है। सो दिस इज वन ऑफ द USPs ऑफ फ्यूजन ब्रूक एंड रिविले की यहाँ पर आपको बालकनी साइजेस काफी ज्यादा स्पेशियस मिल जाते हैं। एंड विद दैट वी आर हियर इन आवर थर्ड एंड फाइनल बेडरूम व्हिच इज दिस। अगेन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तीनों बेडरूम्स ही आपको काफी अच्छे ग्रैंड साइजेस में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस आएगा, एंड इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच्ड बालकनी मिल जाती है, प्लस यहाँ पर आपकी कॉमन वॉशरूम रहेगी, जिसे कि आप थर्ड बेडरूम एंड बाहर के एरियाज के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट फ्यूजन द ब्रूक एंड रिविले, जिसकी लोकेशन है सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन।
नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एंड में आपको मैं कुछ इसके हाइलाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के इस वीडियो को एंड करूंगी. सबसे पहले अगर मैं लैंडस्केपिंग की बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो वो आपकी इंटीग्रल डिजाइंस ने की है. इसके आर्किटेक्ट डिजाइन फोरम इंटरनेशनल है एंड यहाँ का क्लब हाउस फोर्थ डायमेंशन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है. सो सारे आपके रिनाउंड ब्रांड्स ने इसका आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केपिंग की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बिल्डर की बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्डर का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. गाइस, फ्यूजन ग्रुप ने दो प्रोजेक्ट अपने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं, फ्यूजन होम्स एंड फ्रेंच अपार्टमेंट. ये उनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें वो सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. उसके अलावा उनका एक कमर्शियल है फ्यूजन यूफेरिया, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में ही लोकेटेड है. इस प्रोजेक्ट की ओसी रिसीव हो चुकी है. अब बात कर लेते हैं हम फ्यूजन द ब्रूक एंड रिपेले की. तो जो फर्स्ट फेज है दैट इज द ब्रूक, वो आपका 2026 में कंप्लीट हो जाएगा एंड उसका पोजीशन ऑफर कर दिया जाएगा. बाकी पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली 2030 तक डिलीवर हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा. इनफैक्ट अगर आप लोन की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो सभी रिनाउंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक से आपको इस प्रोजेक्ट में लोन मिल जाएगा. इनफैक्ट प्रोजेक्ट SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक से अप्रूव है. उसके साथ साथ कई और बैंक से भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा. फुली पेड अप लैंड है, कोई भी ड्यूज नहीं है. एंड अगर हम करंट BSP की यहाँ की बात करते हैं तो वो आपकी 9200 से 9800 के ब्रैकेट में रहेगी. स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ की 1.26 CR है. एंड गाइस, यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. इनफैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग कॉस्ट बताई है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस. जी हाँ, आपको कोई भी अदर चार्जेस की यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं देनी है, जैसे आपके EDC चार्जेस, FFC चार्जेस. उसके साथ साथ क्लब मेंबरशिप आपकी फ्री हो जाएगी, एक आपको कवर्ड पार्किंग मिलेगी. सो इस तरीके के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर फ्यूजन द ब्रूक एंड रिपेले में नहीं देने हैं. ये कॉस्ट आपकी इंक्लूसिव है इन चार्जेस के. इसके अलावा सिर्फ आपकी GST रहेगी, बेसिक कॉस्ट रहेगी एंड आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ही चार्जेस आपके एक्स्ट्रा रहेंगे. प्लस यहाँ पर आपको अमेनिटीज भी काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव मिल जाती हैं. पोस्ट मेट्रो स्टेशन इज ऑल्सो एट वॉकिंग डिस्टेंस. यहाँ से 300 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन रहेगा. सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel Reality 360 Degree for more such videos. I'll see you in the next one.